द पाकिस्तानी चैनल, यू क्राइड। किस बात पे? बालाकोट पर, व्हेन बालाकोट एयर स्ट्राइक हैपेंड, आप रोई एक पाकिस्तानी चैनल पर। सोशल मीडिया पे आप रोई कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारी बेइज्जती हो रही है। जब एक सेकंड रुकिए, जब इमरान खान के कपड़े उतारे गए, एक सेकंड रुकिए, अमेरिका के अंदर इमरान खान के कपड़े उतारे गए, तब आपकी एक एक्ट्रेस रोई थी, नहीं रोई थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस? मैं विजुअल दिखा सकता हूँ, अगले 5 मिनट में मैं तस्वीर दिखाऊंगा। वो आपकी एक्ट्रेस रोई थी, नहीं रोई थी पाकिस्तानी चैनल पर? ना बोलो मलिहा बोलिए। पाकिस्तानी एक्ट्रेस क्राइड और नॉट? मोदी कर करके इतराते थे, अभी व्हाइट हाउस ने आपके मोदी को अनफॉलो कर दिया ट्विटर पर, और पूरी आपके लिए दुकान ही है, अनफॉलो कर दिया। आपकी सोच कितनी खराब है और कितनी संकीर्ण है, यानी छोटी है। इस वक्त देखे चाइना ने इस वक्त आपको कर दिया एक्सपोज। सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान और चाइना की क्यों इतनी दोस्ती है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मलिया ने जो कहा सुनिए, हमें मलिया ने जो कहा मैं उनकी बात को पार्शली मानता हूँ। सभा कमर का विजुअल मैं दिखाऊंगा अगले 5 मिनट में। हम सलूक करते हैं और हम सुनिए, किसी को भी ह्यूमन नहीं समझते। आप लोगों के यहाँ तो अपनी माइनॉरिटीज को नहीं इंसान समझा जाता। आप लोगों के कितने सिख हैं जो भारत छोड़ के चले गए कि खालिस्तान जब तक नहीं बनेगा नहीं आएंगे? क्यों? आखिर कोई तो वजह है ना कि आपके अपने सिख आपसे तंग हैं। डॉक्टर सुधा, मैं बोल सकता हूं, देखिए जो मलिया ने बोला मैं उसके बात को पार्शली मानता हूं। हम वाकई पाकिस्तान की फौज से डरते हैं, पता नहीं कब कौन सी बेवकूफी कर दे। ये तो उस तरह हाथ में ले उस बंदर की तरह है, वो कब पता नहीं क्या चलाए, अपने को भी काट लेगा, दूसरे को भी काटेगा। इसलिए हमें इस बात का आभास रहता है कि कब, और पाकिस्तान फौज से कौन नहीं डरता? पाकिस्तान का आवाम डरता, पाकिस्तान का हुक्मरान डरता, पाकिस्तान का निजाम डरता, पाकिस्तान का वजीर आजम डरता। अब बताइए, तो खौफ तो आपकी जहनियत में, आपकी जहनियत में बसा हुआ है, इसलिए आपको खौफ नजर आ रहा है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, मैं ऑन दी, अरे सुनिए तो देखिए, हमारी और चीन वाली बात आप छोड़ दीजिए, चीन और हमारे बीच में तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। चीन और हमारी जो बराबरी है, जो हमारा मुकाबला है, उसमें कहीं वो आप स्टैंड नहीं करते, वो आप अपने को अलग रखिए। मगर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं ऑन द लाइटर नोट, कि जब से पाकिस्तान बना 1947 से, ये इस्लाम के नाम पर देश बना। अब देखिए बड़ी मजेदार, उसके बाद से ऐसा लगता है कि इस्लामिक मुल्कों पर कहर छा गया भाई। 47 में 48 में अरब इसराइल लड़ाई हुई।